तो गाइस स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो आज है डेट 9 अगस्त और आज की वीडियो में हम शूट करेंगे एक स्पेशल भी है। और नॉर्मली मैंने एक प्रोडक्ट भी मंगाया फ्लिपकार्ट से, आपका स्टीम बर्ड्स का हेलमेट है। जैसे कि आप सभी को पता है इससे पहले मैं यूज कर रहा था थंडर का हेलमेट, तो उसके और इसके बीच में जो कंपैरिजन मुझे लगा कौन सा अच्छा लगा ये मैं आपको बताता हूँ। आप कमेंट में बताइए कैसा लगा हेलमेट, और डिस्क्रिप्शन में आपको डालूंगा फ्लिपकार्ट का, जिससे आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो, आप चाहो तो खरीद भी सकते हो। बताइए कैसा लगा। तो ये है वो हेलमेट जो कि मुझे अपने दोस्त को करना है, जिसकी वीडियोज आपने देखे होंगे। तो शुरू करते हैं हेलमेट के बारे में। तो स्टीम बर्ड से ये हेलमेट अपने को मिला है 2022 रुपए का रोबोट, जो कि एंड्रॉक से कुछ मैचिंग का है। एंड्रॉक मेरी स्कूटी है और दोस्त की स्कूटी, तो आप देखेगा इस हेलमेट को हम लोग उस पर कैसे रिव्यू करते हैं और कैसा लगता है देखेंगे। वो मैं आपको इसमें क्लिप ऐड करके दिखाना चाहूँगा, अगर दिख जाएगी तो बहुत बढ़िया, वरना कोई नहीं, बाकी रिव्यू से काम कर लीजिए। तो ये है कुछ हेलमेट जिसमें आपको जो जो मिलेगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक एयर वेंटिलेशन का पैक मिलता है, दो एयर वेंटिलेशन के पैक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक आपको जो मिलता है वो यहाँ पे मिलता है, आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हो। यहाँ वाला जो आपका वेंटिलेशन का प्रोसेस है वो ओपन और क्लोज ही होगा कुछ इस तरीके से, और ये आपको ओपन देगा। थंडर में जो आपको मिलता है यहाँ पे दो चीज मिलते हैं जो इनको ओपन और क्लोज करोगे, उसमें फ्रंट पे नहीं है, उसमें यहाँ पे है। तो तीन चीजें जो उसमें डिफरेंस है थंडर से, और थंडर में आपको प्लस मिलता है वहाँ पे, यहाँ पे एक चिन गार्ड आपको मिलता है, इसमें आपको नहीं मिलेगा उसमें मिलेगा। इसमें जो आपको एडिशनल मिलता है वो देखने को मिलता है कि चिन स्ट्रैप पे जो आपको लॉक देखने को मिल जाता है, जो कि थंडर में नहीं। और यहाँ पे जो आपको मिलेगा ये ग्लास ओपन करने का मेन जो नोट करने वाली बात है, ग्लास आपको हाथ से नहीं ओपन करना है, ठीक है। ग्लास आपको हाथ से नहीं ओपन करना, आपको यहीं से ओपन करना है। जब आप यहाँ से ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और आपको बॉक्स के अंदर दो वाइजर मिलेंगे, एक स्मोक वाला वाइजर और एक प्लेन वाइजर जो आपको रात में ट्रेवल करने वक्त पे मदद करेगा। और स्मोक वाइजर रात में चुनना करिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। दूसरी बात कहा जाए तो वाइजर हटाएंगे कैसे, वाइजर आप कुछ यहाँ से हटा सकते हो, ये आपको एक एरो दिख रहा होगा, आप एरो पे जैसे ही इधर इसको प्रेस करोगे वैसे ही वाइजर बाहर आ जाएगा। तो मैं अभी इसको करने वाला नहीं हूँ, जब मैं घर जाऊँगा तो आपको दिखाऊंगा। वो सेकंड वीडियो इसकी होगी कि हाउ टू चेंज दिस वाइजर अचीव बट रोबोट वाइजर। तो कुछ इस तरीके से ये हेलमेट है, कुछ इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें डिटेलिंग्स हैं रेड और ब्लैक की, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। 53 की इसमें राइडिंग है, गाड़ी नंबर मेरा 53 है, नहीं तो सॉरी फॉर दैट। जो वजन आपको इसमें दिख जाता है वो मास वजन दिया हुआ है 1300 प्लस 50 ग्राम का, इसमें वजन देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी वेटेड कम है, और मुझे लगता है थंडर मेरा ज़्यादा वेटेड है, ये उससे कम वेटेड है। आपको यहाँ पे नेट देखने को मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन के मामले में हेलमेट काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे पैडिंग आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग मिल जाती है, जो कि काफ़ी मदद करेगी आपको स्वेट एब्जॉर्ब करने में, और गर्मी में इचिंग जो होती है नॉर्मल हेलमेट वो इसमें आपको नहीं होगी। और बाकी अगर ज़्यादा इचिंग होती तो आप हेलमेट की पैडिंग रिमूव कर सकते, हेलमेट की पैडिंग रिमूव हो जाएगी, और आप चाहो तो हेलमेट अपना धुल के आराम से यूज़ कर सकते हो। तो कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा कमेंट में ज़रूर, और शेयर कीजिएगा वीडियो। उसके लिए धन्यवाद।